अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूवर्स आपके? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे। गाइस, आज बड़े दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ मछली के सिरे। गाइस, आप कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन खाता है और कौन कौन नहीं खाता, क्योंकि अक्सर लोग बहुत कम ही चीज़ खाते हैं, लेकिन इसमें गाइस बहुत अच्छी चीज़ है ये। कई होते हैं मिडिल क्लास लोग जो नहीं खा पाते मछली, तो वो मछली के सिरे पका के खाते हैं। ये जैफा बैठे हुए हैं, ये मैंने प्याज ब्राउन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मसाला डालूंगा। अच्छा, एक वो बात बीच में रह गई कि मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, कई आजकल आपको पता है कि सैलरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, महंगाई इतनी है, तो कई लोग मछली नहीं खा पाते, तो वो मछली के सिरे वगैरह पकाते हैं, वो खाते हैं। तो गाइस, आज मैं बड़े अरसे बाद मेरा दिल कर रहा था मछली के सिरे खाने के। वैसे तो मैं फिश हंटिंग के लिए जाता हूँ, लेकिन काफ़ी अरसा ही हो गया, तकरीबन 1 ईयर हो चुका है। तो यहाँ पंजाब में दरियाओं में पानी कम है, इसकी वजह से मछली का शिकार बहुत मुश्किल हुआ है, तो मैं इस वजह से जा नहीं सका। नहीं तो मैं दरिया की मछली खाता हूँ, हंटिंग कहते हैं करके ना, मुझे दरिया की मछली का शौक है, लेकिन इस वजह से मैं जा नहीं सका कि दरियाओं में पानी का। तो आज मेरा बहुत दिल किया था कर रहा था, तो आज मैं मछली के सिरे बना रहा हूँ। तो ये है हमारे पास मछली के सिरे, गाइस कटे हुए साफ हुए हुए। तो ये मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, फिर आपको मैं इसका सालन भी दिखाऊंगा। आप लोग बताइएगा आप किस तरह कहते हैं बनाते हैं। मैंने पहले प्याज ब्राउन किया है, उसके बाद ये इसमें मैं मसाला ऐड कर रहा हूँ। इसमें नमक, मिर्च, दही, लहसुन, अदरक। लोग अक्सर कहते हैं बाहर के मसालों में, पैकेट के मसालों में मैं कहते हैं बनाते हैं, तो मैं नहीं कहते हैं, मैं प्रेफर नहीं कहते करता बाजार के मसालों को। मेरी घर मेरी कोशिश होती है, मैं जब भी हांडी बनाऊँ तो मैं घर के खाना बनाऊँ। वैसे तो मेरी बेगम किरण, जिसका ये चैनल है, वो थोड़े बहुत बाहर के मसाले भी डाल लेती है। आज उसकी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब है, तो इसकी वजह से वो आराम कर रही है, मेडिसिन खा के सो रही है। तो मैं कहा चले आज मैं हांडी बना लेता हूँ। गाइस, अभी कल रात को हमारे घर में एक छोटा सा हादसा हो गया। मैंने चाय बना के रखी, तो आप जैसे जानते होंगे मेरा बेटा छोटा अरहम अली जो है बहुत शरारती है, तो उसने बहुत सब गाइस उसने अपने ऊपर चाय गिरा ली। उसकी वजह से उसका लेफ्ट हैंड और नेक के नीचे से जल लग गया है। तो वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिल सका। मैंने बनाई भी वीडियोस उसकी, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो असल में गैस भी बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से मसाला नहीं हो रहा है। ये देखें, गैस भी कम कम आ रही है, बहुत कम गैस आ रही है, ना होने के बराबर। सिलेंडर है, लेकिन ना हम सिलेंडर में बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि LPG भी बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है। तो थोड़ी वो गैस आ रही थी, मैं कहा चले मैं इस पर हांडी बना लूँ। मिलते हैं गैस आपके साथ थोड़ी देर में, हमारी वीडियो पे बने रहें। देखिए, मैंने उसमें पानी डाल दिया है, अब देखते हैं कितनी देर में बॉयल होता है ये पानी। अभी जैसे ही बॉयल होता है, फिर मैं मसाला इसका बुनूंगा, बुनाई करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसमें मैं मछली के सिरे डाल लूँगा। असल में गैस बहुत कम आ रही है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मिलते हैं आपसे फिर आगे। गैस, मैं वो मसाला डाल के आ गया हूँ, पानी डाल के। पानी बॉयल होएगा तो मैं फिर जाके उसमें डालूँगा मछली के सिरे। तो गैस फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह खाने पे। तो गैस इंशाल्लाह खाने पे मिलते हैं आपसे फिर। तो नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफिज़।